हम जानेंगे कि कैसे हम अपने कंप्यूटर को रैम को चेंज, अपग्रेड या फिर रिप्लेस कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें इस आउटर केसिंग को रिमूव करना होगा। मैं पहले इस आउटर केसिंग को रिमूव कर लेता हूँ। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैंने इस आउटर केसिंग को रिमूव कर लिया है। अब मुझे रिमूव करते मैं इन कनेक्शंस को खोल लेता हूँ। बेसिकली आपके सिस्टम्स में ये कनेक्शंस नहीं होंगे क्योंकि मैंने अलग से लाइटिंग्स लगाई है, तो ये उनकी वायर्स है। तो पहले मैं इन्हें जल्दी से रिमूव कर लेता हूँ। तो मैंने इन कनेक्शंस को रिमूव कर लिया है और अब मेरा ये जो कवर है ये अलग हो चुका। मैं इसे साइड में रख लेता हूँ और अब बात करते हैं हमारे सिस्टम के बारे में। जैसा कि मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ, इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने सिस्टम को उल्टा करके रख दिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये केबल्स को थोड़ा सा हटाना होगा, क्योंकि रैम को निकालने के लिए इन केबल्स को साइड करना और काफ़ी ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इन केबल्स को थोड़ा थोड़ा साइड कर लिया है। मैं इसे इस तरफ के लिए थोड़ा सा फंसा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरे ये दोनों रैम, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा जूम, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दो है हमारे रैम और हम इसे करेंगे रिमूव। तो इसे रिमूव करने के लिए जो सबसे बेसिक प्रोसेस है वो है कि जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों रैम, ये जो क्लिप है और ये जो क्लिप है, हमें इन पहले इस क्लिप को रिमूव करना है। क्लिप को रिमूव करते रैम हल्का सा ऊपर आ जाता है, तो रैम हल्का सा ऊपर आ चुका है। तो हमें इसे निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमारे पीछे वाले यहाँ पे भी एक क्लिप होती है। मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, पर देखिए यहाँ पे भी क्लिप होती है। उसे आपको कुछ नहीं करना, यहाँ की जो क्लिप है ये हिलती भी नहीं है। तो इस क्लिप को हटा के रैम को सीधा हल्का सा ऊपर इस साइड से करना है। आप देख सकते हैं हमारी रैम जो की है वो बाहर आ चुकी है। तो आप देख लीजिए, मेरे पास एक 2GB की रैम है जो मैंने पहले इंस्टॉल की थी, जो कि स्टारलाइट की है। ये 1600 MHz की है। मैंने पहला रैम तो रिमूव कर लिया है, मैं इसे साइड पर रखता हूँ। अब बारी दूसरे रैम की, तो दूसरे रैम को भी निकालने का प्रोसेस सेम है। आप इस क्लिप को ऊपर करिए और ये रैम भी बाहर आ जाएगी, तो आप इसे भी पकड़ कर हल्के से ऊपर उठाइए। आप देख सकते हैं कि ये रैम भी स्टारलाइट की गोल्ड 4GB है। ये मैंने नई खरीदी है। और अगर मैं आपको इन दोनों रैम्स के बीच में कंपैरिजन दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि 2GB वाली चौड़ी है और 4GB वाली पतली है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये थोड़ी सी पुरानी रैम है। जब मैंने नई कंप्यूटर खरीदी थी तब मैं एक पेंटियम प्रोसेसर यूज़ करता था, मुझे 2GB रैम में काम हो जाता था। और जब मैंने एडिटिंग स्टार्ट की या कुछ भी और स्टार्ट किया तो मुझे इन रैम की ज़रूरत पड़ी। तो इस तरह से हम रैम को रिमूव कर सकते हैं और यही होता है एक बेसिकली नॉर्मल प्रोसेस। अगले प्रोसेस में मैं आपको और कुछ पीसी बिल्ड से रिलेटेड वीडियोस बताऊंगा। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर जरूर करें।